फाइनली गाइज अपने डॉली भाई की टपरी पे जो है एक बहुत ही दूर से पैदल चल के एक यूट्यूबर यहाँ पे आए हैं। तो भाई साहब आपका नाम बताइए सबसे पहले। तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है कि देखो भैया इतने दूर से आए हैं और वो भी नागपुर में डॉली को मिलने आए हैं, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और थैंक यू सो मच भैया, धन्यवाद के लिए आए हैं। भाई इसी सर्कल पे कहीं पे दिखा रहा है, लेकिन किस तरह पे वो कुछ पता नहीं चल रहा। बस वो रहे यार, यही उम्मीद है। और बहुत दूर से चल के आया हो ना, और यहाँ पर इतनी गर्मी है, वो गर्मी का कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते आप। इतनी गर्मी में उतनी दूर से चल के आ रहा हूँ। वो भाई है चाय डाल के दे रहे हैं शायद। भाई मिल गए डॉली भाई मिल गए, डॉली भाई मिल गए। एक सेकेंड में इसको क्लोज कर देता हूँ मैप। डॉली भाई तो है और भीड़ भी कम है। ये लो भाई, भैया वीडियो बना सकते हैं ना? किन से? मेरे छोटे भैया हैं, उनसे बात कर रहा हूँ। अच्छा, वही मैं पूछ रहा हूँ मैडम, भैया वीडियो बना सकते हैं? स्विच ऑफ तो करो इसको। तो फाइनली गाइज अपने डॉली भाई की टपरी पे जो है एक बहुत ही दूर से पैदल चल के एक यूट्यूबर यहाँ पे आए हैं। तो भाई साहब आपका नाम बताइए सबसे पहले। तो सर मेरा नाम है तुकाराम पवार और मैं शॉर्टली राम पवार करके यूज़ करता हूँ। और मैं डॉली भैया यही स्पनी चीज बहुत पसंद आती है। और मैं कर्नाटक से पैदल यहाँ पर भारत यात्रा करते करते यहाँ पर डॉली भाई के पास आया हुआ हूँ। एक बार आपके हाथ में जो लिपलेट है उसको बिल्कुल पकड़िएगा। ये मेरा चैनल नाम और अपना इंस्टाग्राम का एडी है, और आप लोग भी यहाँ पर फॉलो और सब्सक्राइब भी कर सकते हो अपने चैनल को। तो बेसिकली आप कहाँ से आ रहे हो? मैं कर्नाटक से हूँ, बीजापुर सिटी से। जी हाँ। और आप पैदल चल के आ रहे हो? जी हाँ। ओके, तो मेरे को आप अपना जर्नी थोड़ा सा डिस्क्राइब कर पाओगे? हाँ जी जरूर। मैं अपने घर से यात्रा शुरुआत की थी सबसे पहले, और गोवा गया था। गोवा में कुछ दिन काम किया, बाद में पैसा वगैरह लगता है ना थोड़ा सा खाने पीने के लिए, तो वहाँ पर थोड़ा सा इकट्ठा करके, और मैं अभी फिलहाल गुजरात घूम चुका हूँ, राजस्थान घूम चुका हूँ, मध्य प्रदेश घूम चुका हूँ, और आधा अधूरा महाराष्ट्र भी घूम चुका हूँ। और अभी डॉली भैया के पास आया हूँ कि डॉली भैया के पास कुछ यूनिक सा मुझे लगता है कि यूट्यूब पे उनको पहले भी बहुत सारी वीडियोस देखे हैं मैंने इनकी, और इनकी स्टाइल चाय पिलाने की और जो भी स्टूडेंट्स को ये अप्रोच करते हैं वो मुझे बहुत पसंद आता है। मेरी स्टाइल में चाय पियेंगे? जरूर। एकदम डरा देते हैं उनके सामने आके। तो चलिए फाइनली डॉली भैया का, मैं आप लोगों को तो पता ही है अपनी चाय नहीं पीता है, लेकिन फिर भी डॉली भैया के हाथ से चाय पीने का अलग ही स्वाद रहता है। चाय चेस। तो चलो चाय पीते पीते चाय पे गुफ्तगु करते हैं। अब बेसिकली भी नागपुर में हो, नागपुर कैसा लगा? नागपुर में बताऊं तो भाई इस सिटी के मुकाबले में अपने बेंगलुरु को भी मैं इंक्लूड करूंगा, क्योंकि वो भी सिटी और ये सिटी दोनों मुझे एक नंबर लगे हैं। ये सिटी बहुत पसंद आया मुझे। हमारे डॉली भाई आपको कैसे लगे? डॉली भैया तो यार इनके क्या बात करूँ, जितनी भी इनकी इनके बारे में बात करूंगा ना वो कमी है। इतना सारा जितना भी बोल क्या बोलूँ वो समझ नहीं आ रहा है मुझे। अच्छा जी, तो इतना प्यार है मतलब डॉली भाई के लिए? जी बहुत ज़्यादा प्यार है। पीजिए पीजिए चाय पीजिए, रेस्ट कीजिए, आप इतना चल के आए हैं। और फाइनली नागपुर में जो है डॉली भाई की टपरी, आपको कैसे पता चली जब आप नागपुर के अंदर आए कि डॉली भाई की टपरी के लिए ये रूट जाएगा, मेरे को यहाँ जाना है? सबसे पहले मैं अभी कल शायद मैं इधर था वहाँ पर था, और वहाँ पर एक दिन स्टे किया मैंने, वो भी मेरी वीडियो आएंगी। वहाँ पर पेट्रोल पंप पे स्टे किया था, बाद में मैंने पहले से ही फैन था डॉली भैया का, तो मैंने कल शाम को फिर से एक शॉट देखा वीडियो डॉली भैया का चाय पी लेने का यूनिक स्टाइल, तो सोचा कि भाई को जाके एक बार मिल लेते, उनकी चाय हाथ से पी ही लेते। तो मैंने कुछ जगह पे यूट्यूब पे सर्च किया इनकी लोकेशन के बारे में, ज़्यादातर इतना पता नहीं चला, फिर भी गूगल मैप पे सर्च किया डॉली भाई चाय पट्टी करके, वहाँ पर आ गया एड्रेस लोकेशन, फिर भी कंफर्म नहीं था कि असली वाला रहेगा या फेक वाला रहेगा, लेकिन फिर भी आज सुबह से मैंने स्टार्ट किया था अपनी जर्नी, और अभी तक यहाँ पर वॉकिंग डिस्टेंस में चलते चलते सच में भगवान का आशीर्वाद है कि मैं डॉली भैया के पास पहुँच गया सही सलामत। क्या बात है, बहुत बहुत डॉली भैया
डॉली भाई कैसा लगता है इतना दूर से आप लोगों से मिलने आते हैं? बिल्कुल आपके मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है कि देखो भैया इतने दूर से आए हैं और अभी नागपुर में डॉली को मिलने आए हैं, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और थैंक यू सो मच भैया, धन्यवाद के लिए आए हैं जी। आपने मुझे चाय पिलाया अपने स्टाइल में, वो बहुत पसंद है। मैं सभी को चाय पिलाता हूँ लेकिन अपने स्टाइल में पिलाता हूँ जी। जरूर धन्यवाद। डॉली भैया जो है फेमस ही अपने स्टाइल के लिए है। बताया कि आप कल रात को एक पेट्रोल पंप पे रुके थे, तो कहाँ पे आपने पेट्रोल पंप पे रुके था? कलम्बा करके एक गांव आता है, वहाँ पर रुका था मैं एक पेट्रोल पंप स्टेशन। यहाँ से तकरीबन 126 किलोमीटर दूरी पर रहता है, और वहाँ पर मैंने तकरीबन सुबह 9:30 बजे शायद शुरुआत की थी अपनी जर्नी की। और वहाँ से चल के लिफ्ट लेते लेते आज सिर्फ मुझे थोड़ी सी 2-3-4 बाइक लिफ्ट मिली थी, और वहाँ से अभी तक मैं जो जर्नी रही थी मेरी बहुत ज़्यादा खतरनाक, और ये थी गर्मी में कि पसीने छूट रहे थे, और मैं भगवान से प्रे कर रहा था कि कब जाके डॉली भैया के पास पहुंचूं, और एड्रेस भी कंफर्म नहीं था मुझे, ताकि मैं किस एड्रेस पे जा रहा हूं और कंफर्म भी नहीं था। तो ऐसे ही आते रहा और फाइनली डॉली भैया के पास आ चुका। स्वेट जो है आपका बता रहा है कि आप बिल्कुल बहुत तकलीफ लेके आए हो बिल्कुल, और जो जर्नी है जिसमें आपने मतलब तकरीबन 2-3 बाइक भी लिया हो, तो भी आपने मतलब 60 किलोमीटर आपने रनिंग वॉक किया है पूरा का पूरा वॉक करते हुए आप आए हो। तो मैं हर रोज अपडेट करते ही रहता हूँ अपनी वीडियो पे भी कि मैं आज कितना चला हूँ और कितना लिफ्ट लिया हूँ। तो आज मैंने तकरीबन लिफ्ट लिया है, मान सकते हैं 80 किलोमीटर तक लिफ्ट लिया है, बाकी के मैंने वॉकिंग डिस्टेंस पे चला हुआ है। और आपको हम बता दें कि जो हम लोगों ने अभी जो चालू किया है जो डॉली की टपरी इंस्टाग्राम पे, काफी टाइम बाद आई है, है ना, और जो यूट्यूब चैनल हमने बनाया, रीजन ही वही है कि काफी सारे लोग विजिट करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं डॉली भाई को, बट पर्टिकुलर एड्रेस नहीं मिल पाता है ना, एक आईडी पर्टिकुलर नहीं मिल पाती है, इसीलिए जो आपके पीछे में लगा हुआ है बैनर देख सकते हो डॉली की टपरी नागपुर, ये जो है, तो इसको जाके फटाफट आपने फॉलो करना है। और आप जब कोई भी अगर आपके जैसा कोई भी अगर आता है नागपुर डॉली भाई से मिलने के लिए, तो उसको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, वो डीएम कर सकता है और डायरेक्ट उसको एड्रेस बता दिया जाएगा, डॉली भाई का टाइम बता दिया जाएगा। तो भैया जी अभी कुछ ही दिन पहले नानी सर यहाँ पर दशहरा फिल्म की प्रमोशन के लिए आए थे, तो आपको कैसा लगा उनसे मिलकर पर्सनली? तो भैया हमारे गांव में ना आपके बहुत सारे फैंस है, मेरे दोस्त वगैरह आपकी वीडियो वगैरह देखे, तो उनके लिए कुछ बोलना चाहोगे आप? सबसे पहले तो हाय गाइस, थैंक यू सो मच, आपने मेरे को इतना प्यार दिया हो, और देखो मेरा भाई वहीं से आया है अभी, और मैं तो बोलूँगा कि हमारा नागपुर सबसे बेस्ट है, और ऐसे ही आते रहिए और ऐसे प्यार बांटते रहिए, थैंक यू। ये देखिए भैया का चैनल है, और मेरी खातिर प्लीज़ हाँ इनको भी थोड़ा लाइक करिए, बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए, धन्यवाद। तो चलिए थैंक यू भैया से मिलकर बहुत अच्छा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिएगा, भैया की भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है मैंने, यूट्यूब का और इंस्टाग्राम का भी। अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत स्टाइल तो यूनिक सा है, इसलिए मैं हाथ में भी अपना कैमरा पकड़ के अभी भी पकड़ के खड़ा हुआ हूँ कि भैया क्या ये स्टाइल देखने के लिए आया हूँ मैं सबसे पहले, तो चाहे तो बस बहाना है, इनका स्टाइल देखने का एक अजीब ही मज़ा आता है। अरे वाह क्या बात है। तो चलो फाइनली ब्लॉग देख के बताइएगा ब्लॉग कैसा लगा, और राम भी आप बताइए आपको कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, थैंक यू बाय। तो जयस डॉली भैया से मिल चुके हैं, अभी भी डॉली भैया वहाँ पर उनकी टपरी पर है, और अभी हम निकलेंगे अपने सफ़र पे वाराणसी की तरफ। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी, सारे सपोर्टर्स यहीं पर है, बहुत अच्छा लगा। चलो भैया बहुत बहुत धन्यवाद, चलूँगा मैं भी। चलिए भाई थैंक यू, बहुत अच्छा है सपोर्ट मिला, चलिए चलते हैं, चलिए उनको पहले ही वीडियो डाला हुआ है मैंने। हाँ भैया जी बहुत सारे सपोर्टर्स आते हैं जी, बोलिए। कौन सा नाम है आपका? मेरा नाम राम है, राम है, इंस्टा और यूट्यूब इंस्टाग्राम दोनों पे है भैया। डॉली भाई से मिलने आए थे यहाँ पर, हाँ जरूर, आप तो रोज ही यहाँ पर मिलते ही रहते हो उनसे। सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा सर्च कर लीजिएगा, मुझे आपको भी सेल्फी करना है जी, जरूर ले लीजिए। ओके चलिए भैया थैंक यू, मिलके बहुत अच्छा लगा, सपोर्ट बहुत मिलता है यार नागपुर में, बहुत अच्छा लगा मुझे पहली बार इतने सारे सपोर्ट से। मैं तकरीबन कल लिखी वहाँ पर आ रहा था, कल मैंने एक भाई को ऑटोग्राफ दिया, और अभी 2-3 बार लोग आके यहाँ पर सेल्फी ले रहे हैं अपन को, देखो तुम्हारा भाई सेलिब्रिटी भी बन गया, अच्छी है रही है। तो चलिए किस तरफ जाना है, मैंने लोकेशन ही नहीं डाला है, और भाई डॉली भाई की मिलने की खुशी में मैंने अभी तक कुछ खाया नहीं है, देखेंगे सिटी के बाहर जाके कुछ सोचेंगे, और चाय तो यार चाय क्या ही चाय थी यार,
एकदम मस्त यूनिक तरीके से और यूनिक स्टाइल का मज़ेदार, इसीलिए डॉली बॉय इतना फेमस है अपनी चाय और अपने यूनिक स्टाइल के।